आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 16.2 में हमने पिछली क्लास में पहला सवाल किया था, फिर दूसरा और तीसरा आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज हम चौथे सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल है हमारा, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम आंसर में करते हैं, माना दोनों बेलनों की त्रिज्या, मान लिया पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, वो क्रमशः 2R और 3R है, क्योंकि अनुपात 2:3 है त्रिज्याओं का, इसलिए हमने मान लिया 2R और 3R। और ऊंचाइयां है वो H1 और H2, पहले बेलन की ऊंचाई H1 और दूसरे की H2 है, वो हमने मान ली क्रमशः 5H और 4H, क्योंकि अनुपात है ऊंचाइयों का वो 5:4 है। ठीक है, अब हम सूत्र लिखते हैं, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रथम बेलन की जो त्रिज्या है वो R1 है, ऊंचाई H1 है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πR1 × H1। अब हम इसमें मान रखते हैं 2πR1 का मान इसमें आ गया आपका 2R, तो इसको लिख दिया 2R, और H1 का मान इसमें आपका आ गया 5H, तो इसको भी लिख दिया 5H। जब हम इसको गुणा करते हैं तो संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 2 को 2 से किया 4 और 4 को 5 से किया 20, तो ये आ गया 20 साथ में पाई आर एच। ये पहले बेलन का आयतन, फिर ऐसे ही दूसरे बेलन का आयतन निकालेंगे 2π, अब इसकी त्रिज्या है R2 और ऊंचाई है H2, तो मान रखेंगे 2π, R2 का मान हमारे पास है 3R, तो हमने गुणा में लिख दिया 3R, और H2 का मान हमारे पास है 4H, तो हमने लिख दिया 4H। अब हम फिर से गुणा करेंगे इसको, तो 2 को 3 से किया 6 और 6 को 4 से किया 24, तो ये आ गया 24πRH। अब हमें निकालना है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम लिखेंगे प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को हमें अनुपात में या बट्टे में रखना होगा, तो हम बट्टे में यहाँ रखते हैं। पहले का था हमारे पास 20πRH और दूसरे का आया हमारे पास 24πRH, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ऐसे एच कट गया, 20/24, 20 और 24 में जो भाग जाता है 4 का, तो 4 से काट देते हैं, ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 6, तो 5 और 6 को हम लिख सकते हैं 5:6, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 5:6। अब हम निकालेंगे आयतनों का अनुपात, तो सेम वैसे ही करते हैं। अब हम निकालेंगे प्रथम बेलन का आयतन, क्योंकि हमें आयतनों का अनुपात भी पूछा है, तो प्रथम बेलन का आयतन होगा πR1² × H1, तो हम मान लिख देते हैं पाई आर वन का मान हमारे पास है 2R, 2R का स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, और गुणा H1 हमारे पास है 5H। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया पाई 2R का स्क्वायर होता है 4R² और पाई 5H ऐसे के ऐसे, ये गुणा में है, सबको अगर गुणा कर दें तो ये आ गया, देखो 4 को 5 से किया 20, तो ये हो गया 20πR²H। अब निकालते हैं द्वितीय बेलन का आयतन, तो द्वितीय बेलन के में मान रखते हैं पाई R2 का मान हमारे पास यहाँ पर है 3R, तो 3R का स्क्वायर, और H2 का मान हमारे पास है 4H, ये लिख दिया, इसको गुणा करते हैं तो ये हो गया पाई 3 का स्क्वायर हो गया 9R², गुणा में लिख दिया, और H का मान हमारे पास है 4H, इसको भी गुणा करते हैं, जब 9 को 4 से किया 36 साथ में पाई R²H। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम बेलन का आयतन हमने निकाला 20πR²H और दूसरे का निकाला 36πR²H, आर पाई से पाई कट गया, R² से R², ऐसे एच कट गया, तो हमारे पास बचा 20/36। अब हम लिख सकते हैं, अगर इसको 4 से काटे तो ऊपर 4 का भाग 20 में दिया 5 बार और इसमें दिया 9 बार, तो दोनों के आयतनों का अनुपात लिखते हैं, दोनों बेलनों के
आयतनों का अनुपात। 5/9 को हम अनुपात में लिखेंगे 5:9। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आया 5:6 और दोनों के आयतनों का अनुपात आया 5:9। अब हम सवाल नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे हमें दिया है वैसे वैसे हमें सारे मान लिखने और इसको सोल्व करना है। तो हमें दिया है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 462 वर्ग सेमी, और हमें पता है इसका सूत्र होता है 2πr×S+R बराबर 462 है। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 1/3 है। तो हमने लिख दिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462/3। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, तो हमने लिख दिया 2πrh बराबर 462 में अगर 3 का भाग दे तो ये आ गया 154। अब हमें r और h का मान कॉमन है, तो इससे हमें rh का मान लेके हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो देखो rh का मान चाहिए तो 2π को हम 154 के बट्टे में भेज देते हैं। फिर rh बराबर हो गया 154/2×22/π का मान होता है 22/7। अगली स्टेप में हम 7 को ऊपर भेज देंगे क्योंकि 7/ में तो इसमें ऊपर चला जाएगा। 22 को 154 से काटा तो ये 7 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 7×7। 7×7 होते हैं 49, तो RH बराबर आ गया 49/2। अब RH का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। ये जो हमारी समीकरण 1 है इसको रखते हैं। तो हमारे पास पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण 2πr×S+R बराबर 462। 2π को हम बट्टे में भेज देते हैं तो ये आ गया r×S+R बराबर 462/2π। अब r×S+R हो गया 462, 2π×2×22/7 है वो ऊपर चला जाएगा। 22 का भाग इसमें दिया तो ये आ गया 21/7। 21 को 7 से गुणा किया तो ये आ गया 147/2। RH का मान हमारे पास है 49/2, ये हमने यहाँ पर रख दिया 49, क्योंकि हमें आर स्क्वायर चाहिए तो 49/2 को इस साइड भेजेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 147/2 − 49/2। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया, हम लघुतम लेंगे तो लघुतम आ गया 2 147 − 49, तो ये आ गया 98/2। 98 में 2 का भाग दिया 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर आ गया 49 का वर्गमूल जो हो गया 7। तो आर बराबर आ गया 7 सेमी। अब हमें एच भी निकालनी है तो हम एच यहाँ से निकाल सकते हैं। आर एच बराबर हमें दे रखा है 49/2, आर का मान 7 है ही, तो 7H = 49/2, एच बराबर 7 आ गया बट्टे में, 49 में 7 का भाग दिया तो ये 7 बर गया, तो एच बराबर आ गया 7/2। आर और एच का मान हम अब बेलन का आयतन निकालने में कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो आर स्क्वायर के लिए 7×7, और हमने निकाल दिया 7/2। तो जब 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, 11 को 7 से किया 77, 77 को 7 से किया 539 घन सेमी, क्योंकि आयतन घन सेमी में हो गया, ये उसका उत्तर। आज के होमवर्क में आपको 16.2 में 6 का और 7 का सवाल करना है। छठे सवाल में दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी और ऊंचाई 15 सेमी, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है 2πrh, वहाँ पर h का मान रख दो, उसको 660 के बराबर रखो तो r का मान आ जाएगा। फिर r का और h का मान आप आयतन ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। फिर 7 का दे रखा है बेलन का आयतन और आधार का क्षेत्रफल है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो आधार बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो वो πr² है, तो आयतन में आप क्षेत्रफल का भाग देंगे तो ऊंचाई है, तो क्योंकि ऊंचाई का सूत्र होता है आयतन / क्षेत्रफल, तो आप इससे ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं।